हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपशिखा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं गेहूं के आटे से बनने वाले एक बहुत ही चटपटे करारे मजेदार नाश्ते की रेसिपी। इस नाश्ते को आप चाहें तो सुबह के नाश्ते में बनाएं या शाम की चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, और साथ ही इस नाश्ते को बनाने में बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल होता है। तो चलिए आइए जल्दी से इस नाश्ते की रेसिपी को देख लेते हैं। गेहूँ के आटे से नाश्ता बना रहे हैं तो इसके लिए हमने यहाँ लिया है 1 कप गेहूँ का आटा, और इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक। साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच देसी घी। आप चाहें तो यहाँ तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ देसी घी का इस्तेमाल किया है। नमक और घी को हम आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। का बारीक कटा हुआ प्याज, साथ ही मैंने यहाँ पे 1 कटोरी फ्रोजन मटर लिया है और इसे मैंने मिक्सी में हल्का सा दरदरा पीस लिया है। और ऐड करेंगे इसमें 2 मीडियम साइज की हरी मिर्ची और खूब सारा हरा धनिया। मसालों में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक, चिली फ्लेक्स ऐड किया मैंने यहाँ पे, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और साथ ही इसमें एडिशनल टेस्ट देने के लिए हम यूज़ करेंगे चाट मसाला। आप चाहें तो इसमें जीरा, अजवाइन, किसी भी मसाले का यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे बहुत ही सिंपल वे में बनाया है तो ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए हैं। तो अब हम इस पूरे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को आप मिक्स करने के बाद एक बार टेस्ट कर लें। नमक मिर्च की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंगली थोड़ी सी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम बनाएंगे एक पेस्ट। यहाँ मैंने लिया है 2 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लावर और इसमें डाला है 1 छोटी चम्मच घी। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि तेल नहीं इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी घी का ही इस्तेमाल करें। आइदर आप वनस्पति घी इस्तेमाल करें या फिर आप देसी घी का इस्तेमाल करें, और थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए एक स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे और इसे रख देंगे साइड में। अब हम अपना आटा चेक कर लेते हैं। 10 से 15 मिनट हो गए हैं, आटा हमारा बहुत ही अच्छा सॉफ्ट हो गया है। एक बार हम इसे वापस से मसल कर सॉफ्ट कर लेते हैं। और अब हम इसमें से 3 मीडियम साइज की लोई बनाकर तैयार कर लेंगे, और इसे हमें बिल्कुल उसी तरह से बेलना है जिस तरह से हम चपाती बेलते हैं। बहुत ही पतला पतला बेलना है, जितना पतला आप बेल सके उतना पतला इसे बेलिए। और इस तरह से तीनों चपातियों को हमें बेलकर तैयार कर लेना है। तीनों चपातियों को हमने अच्छे से बेल लिया है, और अब हम लेंगे एक चपाती और उसके ऊपर जो हमने पेस्ट बनाकर तैयार किया था वो लगाएंगे, और इसके ऊपर रख देंगे हम दूसरी चपाती, और सेम प्रोसेस को ही वापस से करेंगे। ऐसा करने से जब हम इसे रोल करते हैं तो इसके बहुत ही अच्छे लच्छे बनकर तैयार होते हैं। और अगर आपको ये प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा है तो आप इसे सिंगल एक चपाती के साथ भी बना सकते हैं।
फ्राइंग पैन या मैंने नॉन स्टिक फ्राइंग पैन का यूज़ किया है, जिससे कि ऑयल जो है वो बहुत ही कम लगता है। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम इसे हेल्दी वे में बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पे लिया है 2 बड़े चम्मच जितना ऑयल, और इसे हम करेंगे शैलो फ्राई। बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल किया है हमने इस नाश्ते को बनाने में, और इस तरह से इसे ऑयल गर्म होने पर पैन में रख देंगे। जब इसका कलर एक तरफ से हल्का गोल्डन ब्राउन होने लगे तो हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे, और इस तरह से दोनों साइड से हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। शाम की चाय के साथ इस नाश्ते को जरूर एंजॉय कीजिए। आपके घर में बड़े बच्चे सबको ये नाश्ता बहुत ही पसंद आने वाला है। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज। तो जल्दी ही मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।